Innovate. Enable. स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की खास पहल ज्यूल्स ऑफ इंडिया में, पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्यूल ट्रेंड्स। हर हफ्ते यहां इस शो पर हम आपको एक नए ज्वेलर से मिलाते हैं और आज हमारे साथ है रॉयल चेन्स के सुरेश जैन और मनीष जैन, दोनों भाई हैं। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। आप मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं, आप मार्केटिंग संभालते हैं, एक फैमिली बिजनेस है, जेनरेशन से पास ऑन हुआ है। कैसे शुरुआत हुई इस बिजनेस की? इट वॉज स्टार्टेड इन 1987। हमारे फादर जो थे ज्वेलरी बिजनेस से ही थे एंड ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। उस जमाने में जनरली जो गोल्ड था इज वॉज अंडर कंट्रोल टोटली, सो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। इट वॉज गोल्ड कंट्रोल एक्ट एट दैट टाइम। किस ईयर की बात है ये? 1987। हाँ, तो देर वॉज इमीजिएट उसी 87 के बाद जब गोल्ड कॉर्नर एक्ट हट चुका था, वी वॉज हैविंग अ शोरूम। तो जैसे शोरूम हमारा ये था गोल्ड कॉर्नर एक्ट हटने से, वी थॉट अबाउट कि भाई चेन इज अ रेगुलर आइटम, एवरी डे इज वियरिंग, एंड लेट्स स्टार्ट विद द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। और वहीं से डैड ने शुरुआत की एंड लेट ऑन आई हैड करियर आउट। और जब आपने पापा से ये बिजनेस लिया तो किस स्टेज पर था, किस तरह से आप रिटेलर से डील करते थे? उस वक्त जस्ट एक ट्रेडिंग थी, मैन्युफैक्चर से हम लेते थे और सारे शोरूम्स को सप्लाई करते थे। इन 1992 में आई थॉट अबाउट दिस कि वी शुड स्टार्ट अवर ओन मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की। वी वॉन्ट जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और जो वेराइटीज हमको चाहिए थी, डेट वॉज नॉट फुली कंफर्टेबल अवेलेबल इन द मार्केट। तो हमने अपना ओन यूनिट चालू कर दिया उसके बाद, एंड स्लोली ग्रेजुअली वी आर ऑन डेट। और आपने बिजनेस कब ज्वाइन किया? मैंने 1995 में ज्वाइन किया, जब सुरेश भाई मार्केटिंग से फिर ये लोग ये मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, तब मैंने वहां एंट्री ली। मैं शोरूम से फिर यहां आ गया और फिर मैंने अपना होलसेल जो वहां से शुरू किया, मतलब और गया। और दोनों ने साथ मिलके दोनों साथ कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या चीजें सीखी है अपने फैमिली अपने हेरिटेज से जो आप आज बिजनेस में अप्लाई करते हैं? जैसे ये अभी हम लोग थर्ड जनरेशन है इस बिजनेस में, तो काफी कुछ सीखने मिला उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने तो उस जमाने में जैसे गोल्ड कंट्रोल एक्ट था तो काफी रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी उन्होंने उस वक्त वो कोयम्बतूर से वगैरह माल ला के यहाँ होलसेल वगैरह करते थे। तो फिर जैसे 1987 में सुरेश भाई ने ज्वाइन किया तो मैंने भी फिर शोरूम से धीरे धीरे उस लाइन में डाइवर्ट कर दिया। स्पेसिफिकली चेन्स में डील करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि इतनी इतने ज्यादा ज्वेलरी ऑप्शंस है बाजार में सबके लिए, तो एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट चेन्स में कैसे आया? क्या था कि सब हैंडमेड ज्वेलरी बनती थी, अब तक मशीन मेड ज्वेलरी कभी आई नहीं थी इंडिया में। तो उस वक्त नया रिवॉल्यूशन आया था मशीन मेड ज्वेलरी का, तो वो हमको अट्रैक्ट किया कि भाई चलो पूरी इंडिया में सब जगह हैंडमेड ज्वेलरी तो बन रही है, बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फिर हमने वो चेन्स मशीन चेन्स में फिर हमने स्टार्ट किया। वी विजिटेड इन इटली, वहां पे जो ज्वेलरी शो होता है वहां पे जब हम गए तो हमने देखा कि देर इज अ वाइड रेंज, द फिनिश क्वालिटी इट वॉज वेरी डिफरेंट। वो हमको बहुत अट्रैक्ट कर दिया। हैंडमेड ज्वेलरी में रिस्ट्रिक्शन होता है, आप ज्यादा प्रोडक्शन दे नहीं पाते हो, ज्यादा मैन पावर यूज होता है। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस समथिंग न्यू इन द मार्केट, एंड वी हैव अ ड्रीम एट दैट टाइम कि यही क्वालिटी यही प्रोडक्शन हमको इंडिया में करना है। तो जैसे आपने कहा पहले हैंडमेड ज्वेलरी होती थी, आपने मशीन मेड ज्वेलरी की शुरुआत की यहाँ पे, तो इनिशियल स्टेजेस में जो रिटेलर्स को कन्विंस करने में आपको क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? रिटेलर्स को तो फेस करने की बात ही बात थी, जब हम मशीन ले आए थे एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी नॉट एक्सप्लोर्ड, इतनी दिक्कत हुई, इतनी मुश्किल हुई टू अंडरस्टैंड द मशीनरीज, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, और प्लस हमारे पास ऐसे स्किल लेबर नहीं थे हु कैन ऑपरेट दिस मशीन, वी हैड टू सेंड दिस गाइज, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी और वी लूज 1.5 ईयर 2 ईयर्स फॉर ऑल दिस थिंग। और तब जाके पूरी मशीनरी कैसे चल देगी, किस तरह से बनेगा, व्हाट फिनिश विल कम, तब जाके आफ्टर 2 ईयर्स
वो मतलब एक डेवलपमेंट स्टेज पे आया। दैट टाइम मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आज जितना इजी है उतना नहीं था उस वक्त, तो मतलब उनका भी सपोर्ट, इटालियंस का भी सपोर्ट इतना नहीं मिलता था, आज तो फिर भी मिल जाता है। दैट टाइम वाज रियली डिफिकल्ट। और कहाँ पे जाके आपने कहा कहीं तो भेज के ट्रेनिंग देने, इटली भेज के उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, मैं खुद जाके ट्रेनिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आए खुद जाके वहां पे। और फिर यही बात आपके जो कस्टमर्स है विच आर रिटेलर्स, उन्हें ये बताने में आपको लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ इनिशियल कस्टमर्स में? इतना बहुत इजीली हो गया कि न्यू प्रोडक्ट थी, न्यू क्वालिटी, न्यू फिनिश था, सब कुछ अच्छा था, तो उन्होंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया मार्केट इज एक्सेप्टेड चेंज वेरी फास्टली, मशीन चेंज डिमांडेड, इट्स क्रिएटेड डिमांडेड। और फिलहाल किस तरह की डिमांड है चेंज के लिए, क्योंकि एक यू नो आसान गिफ्ट बन जाता है नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी, तो अगर आपके बिजनेस के लिहाज से देखें तो किस तरह की डिमांड है चेंज की रिटेलर्स के बीच? अभी तो बहुत अच्छी डिमांड है, मतलब उस वक्त तो सिर्फ 3 या 4 डिजाइन आती थी, अब देखेंगे तो हजारों वेराइटीज आती है। और गिफ्ट में सबसे पहले आपने जैसे बताया चेंज ही सबसे पहले निकलती है, मतलब अगर किसी घर में शादी है तो देने लेने में चेंज इज द नंबर वन आइटम, कि वो आदमी वही गिफ्ट करेगा मतलब। तो अभी डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड इज वेरी गुड इन दैट। ओके, नॉर्मली ऐसे भी ट्रेंड बना हुआ है, जब शगुन के तौर पर कोई ना कोई गोल्ड के आइटम देते ही देते हैं शादी ब्याह में, तो या तो दे हैव कि भाई कॉइंस दिया जाए या ज्वेलरी दिया जाए। इफ यू टॉक अबाउट द ज्वेलरी, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम में सबसे पहले प्रिफरेबल आइटम चेन ही है। ऑलराइट, ज्यूल्स ऑफ इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आगे ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्यूल्स ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेरे साथ है रॉयल चेन्स के सुरेश जैन और मनीष जैन। तो पहले वाले सेगमेंट में आपने आपकी लेगेसी के बारे में बात की, कैसे बिजनेस की शुरुआत की उसके बारे में बात की। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपके चेन्स का, टेक्नोलॉजी जब से आपने शुरुआत किया है यह बिजनेस तब से लेके अब तक काफी इवॉल्व हुई है, तो किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग और किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं आपके बिजनेस में? बेसिकली तो होता ऐसा है, लोग ये सोचते हैं कि यहां से गोल्ड डाल दिया और वहां से चेन तैयार हो गई, इट्स नॉट लाइक डेट। कि अक्सर जब लोग हमें मिलते हैं बोलते हैं यार ये मेटल हम दे रहे कल हमको चेन दे दीजिए, इट्स नॉट लाइक डेट। देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस इन साइड, वी आर फॉलो 12 to 15 प्रोसेस, तब जाके चेन बनती है। वी हैव टू मेल्ट द गोल्ड, उसके पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है व्हाट कैरेटेज इट इज, उसमें एलॉय कंटेन होती है, वी हैव वेरी स्पेशलाइज्ड अलॉयज फॉर अस, हमें जो अपने खुद के बना के एक बनाई हुई जिससे उसकी कलर उसकी फिनिश लॉन्ग लास्टिंग रह जाए, दैट वी हैव डन इट। उसके बाद मेल्टिंग होती है, एलनिंग होती है, चेन वीविंग होती है, सोल्डरिंग होती है, तो इट्स वेरी बिग प्रोसेस। तो अक्सर हमने इस सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके हर डिपार्टमेंट वाइज इसको सॉल्व करके तब जाके एक पूरा प्रॉपर वे से इसको कैसे फिनिश आएगी, डिजाइन पार्ट होता है, उसकी लेंथ होती है, सॉफ्टनेस होती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 22 कैरेट एक्चुअली द गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इन दैट, तब जाके उसमें वो हार्डनेस आती है, तब जाके वो मशीनरी पे क्रिएट होती है। राइट नाउ तो अभी 18 कैरेट भी राइट नाउ हमने स्टार्ट कर लिया है ड्यू टू डिमांड ऑफ द मार्केट, जब से ये सारा इश्यू बना हुआ है कैड का वगैरह गवर्नमेंट ने, तो हमने नेचुरली ये सोचा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करे। इफ यू आर यूजिंग मोर 18 कैरेट तो उसके उससे 22% कंजप्शन ऑफ गोल्ड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड दिस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम जो बता रहे हैं आपको, उससे और भी लाइट वेट एंड सुपर लाइट वेट ज्वेलरी तैयार हो जाती है। वी आर वेरी स्पेशलाइज फॉर द लाइट वेट ज्वेलरी। सपोज आप चेन पहनते हो, द वेट इज 50 ग्राम्स एंड वी आर मेकिंग होलो चेन्स, तो होलो चेन्स में ऑटोमेटिक द वेट गोज टू 22 ग्राम्स 25 ग्राम्स, सो ऑटोमेटिक देयर ऑल्सो यू गेट द कंसेशन हाफ कट ऑफ 50%। फॉर ऑल दिस थिंग आई हैव गॉन आउट विद द इटालियन पीपल्स, माई कंपनी वॉज फर्स्ट टू हैव अ कोलेबोरेशन विद इटालियन पीपल्स, उनको यहाँ पे बुलाया गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग को टेक्नोलॉजी को समझा लिया, समझ के फिर हमने उसको स्टार्ट किया। आई हैव टू 2 ईयर्स फॉर ऑल दिस थिंग। अभी जो ज्वेलरी हम बना रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके फिर हमने ये स्टार्ट किया पूरा। इफ यू सी ईच एंड एवरी चेन पे डिजाइनिंग पार्ट होता है, उसके बाद टेक्निकल असिस्ट लगता है कि कितनी हार्डनेस होनी चाहिए, किस टाइप का फिनिश होना चाहिए, वेदर इज अ डायमंड कट, वेदर इज हाई पॉलिश, इस तरह के अलग अलग उसमें सीक्वेंस होते हैं, तो डिपेंड अपॉन डिजाइन के हिसाब से पूरी टीम वर्क हमने लगाई है और वो सारे इस चीजों को देखते हुए
फिर आगे से इम्प्लीमेंट किया हमने। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यू नो इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑब्वियसली आप एकलौते मैन्युफैक्चरर्स नहीं है मार्केट में। अगर मैं रिटेलर हूं और आपको मुझे कन्विंस करना है कि आपका प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से दूसरे किसी और के प्रोडक्ट से क्यों ज्यादा बेहतर है, तो वो क्या खूबियां हैं, क्या अलग करते हैं आप एज रॉयल चेन्स एज कम्पेयर्ड टू एनी अदर मैन्युफैक्चरर, ताकि एक रिटेलर आपका प्रोडक्ट रखे? देखो, क्वालिटी और ये सब तो बराबर है कि अच्छा ही है, तभी तो काम चलता है। बट जो बेसिक पॉइंट्स है उसको समझने में जरूरी होती है। कलर, जैसे गोल्ड में कलर और प्योरिटी, ये दो चीज मेन होती है। कलर अगर आपका चेंज हो जाता है कुछ दिन के बाद या कुछ सालों में आपका कलर चेंज हो जाता है, तो अपने आप फिर वो कस्टमर आपके पास दूसरी बार नहीं आएगा। मतलब हमारा जो चेन लेके जाता है कोई भी रिटेलर के यहाँ से, जैसे रिटेलर ने किसी को सोल्ड किया, आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो वेन इट विल कम बैक, वो सेम कलर रहेगा, सेम फिनिश रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। काफी टाइम ऐसा होता है मार्केट में, वो लोग लेके जाते हैं, 4-6 दिन में उसका कलर चेंज हो जाता है। तो गोल्ड का जो कलर है वो लोगों को वैसा ही चाहिए थ्रू आउट द यूजेज, तो वो अपनी स्पेशलिटी है। मतलब यू नो 90s की मैं बात बता रहा हूँ आपको। 90s के अंदर मैंने देखा है अक्सर लोग जब गोल्ड खरीदते थे और रिटेलर से लेके जाते थे, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स या 15 डेज में बोलते गोल्ड ब्लैक हो गया और आके उस रिटेल में झगड़ा करते थे, या वो फेड हो जाता था, या लाल हो जाता था, लाल हो जाता था, रेडनेस, मतलब ब्लैकनेस मींस एकदम हैवी रेड हो जाता था एकदम। तो अक्सर वो आके झगड़ा करते थे, आपने हमको डुप्लीकेट सोना दे दिया। दैट टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए हमने अपने इस पे इतना गौर करके हमने एक स्पेशल एलॉय अपनी बनाई और उसको ट्रीटमेंट दिया कि 22 कैरेट की कोई भी गोल्ड ज्वेलरी, उसमें क्या होता है कॉपर कंटेंट एलॉयज में ज्यादा होता है, तो उससे वो रेडनेस जल्दी पकड़ लेती है। अभी तो काफी कॉमन है, बट एट दैट टाइम, दैट एज 1990s में, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पूरी स्टडी करके उसके बाद उसको हमने बनाया और डेट टाइम इट वॉज वेरी डिमांडेड। अच्छा, लोग अभी तो उस जमाने में हॉलमार्क सिस्टम नहीं हुआ करते थे, हमने उस जमाने से आज दिन तक मेंटेन किया वो हॉलमार्क सिस्टम। नाउ देर आर हॉलमार्क सिस्टम, पर उस जमाने में भी मतलब द प्योरिटी, वी वॉज वेरी फेमस फॉर द वॉट वी आर सर्विंग यू, इफ इट इज 22 कैरेट इट इज 22 कैरेट, उसकी जो प्योरिटी मेंटेन की है वो ऑलवेज मेंटेन की हुई है पूरी। ओके, वैसे अभी चेन के यूजेज में भी, चेन ऐसी चीज है रोज आदमी अपने गले में पहन के रखता है, बिल्कुल, तो उसको वो चुभनी नहीं चाहिए, इट शुड बी सॉफ्ट, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसने कुछ पहन के रखा है, अदरवाइज इट विल इरिटेट हिम। तो ये सब चीजें समझ के, डिजाइनिंग पार्ट को समझ के फिर ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, तब वो इजिली मूवेबल होता है। बिल्कुल, एक आप ऐसे बिजनेस में है जो गोल्ड, गोल्ड की हमारे देश में इम्पोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो इस बात को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से डील करते हैं इस बात से, और क्या क्या दिक्कतें आती है इसकी वजह से? ये तो बहुत दिक्कत आई हुई है अभी पिछले 3-4 ईयर्स बैक, जब से ये कैट का मुद्दा चला है, तो गोल्ड को पूरा गवर्नमेंट ने नेगेटिव ले लिया एकदम, एंड उससे इस इंडस्ट्री में एक्चुअली काफी प्रॉब्लम आई है। जब से ये मुद्दा हुआ है तब से हमने एक दिमाग में ले लिया है कि कैसे, बिकॉज वी बिलीव वी आर इंडियंस, ओके, सो हमारा अपना कर्तव्य है कि इंडिया के लिए हमको देखना है। सो वी हैड मेड अवर थिंग, हमने तुरंत एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जिससे हमने 18 कैरेट्स का स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया ना, 18 कैरेट्स, उससे आपका 22% ऑफ कंजप्शन बच जाता है गोल्ड का, वॉट एवर द इंडिया इज इम्पोर्टिंग, इफ एवरीबडी स्टार्ट विद 18 कैरेट, तो 22% तो यही रिड्यूस हो गया। एंड सेकेंडली वी कम अप विद द टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने ये किया कि हर चीज ज्वेलरी लाइट वेट हो जाए। वी आर वेरी स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, राइट नाउ हमने कास्टिंग, जिसे कास्टिंग होलो ज्वेलरी बोलते हैं, आप नॉर्मल कास्टिंग के कोई भी पेंडेंट्स वगैरह सेट लेते हो, 15 ग्राम्स का पेंडेंट सेट बेटर फॉर द वुमेन, ओके, हमने जो बनाया है उसी 15 ग्राम्स को 6 ग्राम 7 ग्राम्स में बिटा रहे। सो नाउ अगेन द कट इज 50%, सो वुमेन लव्स ज्वेलरी, यू कैन स्टॉप दैट। अगर आप उसको लाइट वेट देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज वेरी हाई, तो उसके बजट में हो जाता है, व्हाट्स ही स्पेंडिंग वो 50% हो जाता है, कंजप्शन ऑफ गोल्ड 50% हो जाता है, एंड अगेन इफ इट इज 18 कैरेट, तो उससे भी और 22% का रिडक्शन हो जाता है। सो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर थॉट, एंड फॉर द उसी चीज पे हम काम कर रहे हैं और डे बाय डे हर चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए हर ज्वेलरी को उस पे लेके आ रहे हैं। एक और बात है कि पिछले कुछ सालों से कई तरह के ट्रेंड्स चेंज आए हैं, एक तरह से यू नो लाइक गोल्ड की चेन्स तो ऑब्वियसली एक नेचुरल ऑर्नामेंट है जो यू नो रोजमर्रा की जिंदगी में हम पहन सकते हैं। दूसरी एक बात आई है कि यू नो ये जो 1 ग्राम का सोना,
यू नो एक ग्राम की चेन, तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस को और क्या आप इसे चैलेंज की तरह देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो 1 ग्राम गोल्ड लेने वाला है उसका बजट उतना है, वो वही लेगा, जिसको गोल्ड खरीदना है वो गोल्ड ही लेगा। सो आई डोंट थिंक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब जिसको जो मतलब जो गोल्ड लेने वाला है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको रिटर्न वैल्यू चाहिए, आप 1 ग्राम गोल्ड का आप ले लो कुछ 10,000-20,000 का सेट ले लो, तो उसका रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है। गोल्ड में तो आपको रिटर्न वैल्यू नहीं है, आपको तो ज्यादा वैल्यू मिलता है जब आप सेल करने जाते हो। समझो आपने कोई चीज 2 लाख की ली है, जब सेल करने जाओ तो 2.25 लाख रुपया आएगा उसका, एप्रिशिएट होता ना आपका। ऑलराइट, इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे ये डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्यूल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में है सुरेश जैन और मनीष जैन जो रॉयल चेन्स से हैं। सुरेश जी, अभी तक हमने बात की आपके पास्ट के बारे में, किस तरह से आप फिलहाल अपने आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे आगे चलकर क्या प्लान्स है रॉयल चेन्स के लिए आपके? रॉयल चेन्स के लिए अभी आगे जो प्लान है राइट नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा कॉन्सेंट्रेट 18 कैरेट पे कर रहे हैं, और उसी तरह से हम डिजाइन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट 18 कैरेट तो इट इज द टेक्नोलॉजी मोर हार्ड, क्योंकि मटेरियल ऑलमोस्ट हार्ड हो जाता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ लाइट वेट की जब हम बात करते हैं तो लाइट वेट में तो डिजाइन पार्ट बहुत जरूरी है रखना कि किस तरह की डिजाइन सुटेबल होगी। इफ यू सी राइट नाउ आज के जमाने में दिस यंगस्टर पीपल्स, मतलब ठीक है आप शादी ब्याह में जाते हो, यू वॉन्ट द होल नेकलेस सेट फॉर द वुमेन एंड वो ठीक है, पर रूटीन में चेन्स वो वाली बात नहीं रही कि सब चेन ज्यादातर चेन पहनते हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट दोस मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड ऑल, तो दे वॉन्ट वेरी स्मॉल साइज फाइन साइज ऑफ चेन्स, तो हम लोग उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं किस टाइप की लेटेस्ट डिजाइन हो। बेसिकली इंटरनेशनल डिजाइन अभी बहुत चल रही है फॉर दिस न्यू यंग जनरेशन, सो वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस न्यू डिजाइन, लाइट वेट एंड फाइन साइज ऑफ चेन्स, उस पर पूरा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मार्केटिंग वाइज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे हमारा ब्रांच ऑफिस अभी बॉम्बे में है, तो वी आर ट्राइंग टू डू मोर ऑफिस इन दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, इस तरह से हम लोग अपना मार्केटिंग पूरा एक्सपांस करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे हम लोग वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट एग्जीबिशन होते हैं हम लोग उस पर पार्ट ले रहे हैं, तो उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं। और रिटेलर्स के साथ किस तरह के टाई अप्स आप करते हैं ताकि प्रोबेबली आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में दिखे? जैसे प्रोडक्ट्स अच्छी हम लोग बनाते हैं, उससे क्या होता है कि भाई रिटेलर अपने आप अट्रैक्ट होता है और वो कंजम्पशन करते रहता है, वो प्रोडक्ट लेते रहता है, तो वो हिसाब से जितने भी कॉर्पोरेट शोरूम्स वगैरह है उन सभी को हम लोग डील कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने भी इंडिया के टॉप शोरूम्स है सभी पे इतना माल जा रहा है, तो वहां से नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज ये भी आते हैं, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द जीएसटी बिल्स एंड ऑल, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट इस तरह से अगर जीएसटी बिल पास हो जाता है देन पैन इंडिया विल बी वेरी स्मूथली इजीली, उसी लिए हमको ब्रांच ऑफिस खोलनी पड़ रही है ताकि हम अपने जितने भी रिटेलर्स चाहिए उन भाइयों को सर्विस दे सके, वहां तक उनको माल पहुंचाया जा सके। इज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल, सिक्योरिटी एंगल इज ऑलवेज देयर, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इन कंसिडरेशन इन द माइंड रिगार्डिंग सिक्योरिटी, तो ये सारे ब्रांचेस ऑफिस इसीलिए खोले ताकि हम अपने रिटेलर्स भाइयों को सर्विस दे सके, वहां तक उनको माल पहुंचाया जा सके। दे आर प्रिफरिंग अवर गुड्स कि भाई आपकी चीज बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट द सर्विसेज में कहीं ना कहीं लैगिंग हो जाता है। अगर बंदा यहां से अगर केरला में बैठा हुआ है या चेन्नई में बैठा हुआ है, उसको अगर हमसे माल चाहिए और उसको जब बाइंग होती है तो वो बाइंग को माल को किस तरह वहां पहुंचा जाए, उसको सिलेक्शन के लिए उसको यहां आना पड़ता है और यहां आके सिलेक्शन करना पड़ता है। ऑल द टाइम जब भी नई प्रोडक्ट्स आती है तो अगर आप बात करते हैं, अगर हमने उसको ईमेल से या किसी जरिए से जो चेन्स वगैरह भेज दी या कोई डिजाइन भेज दी, ही इज नॉट अप टू डेट मार्क। जब तक वो आके प्रैक्टिकली यहां देखता नहीं है, उसको फील नहीं होता है कि हाउ व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट इज द स्मूथनेस, शेप्स, डिजाइन, ही हैज टू फील। सो वी ट्राइंग ऑलवेज टू उनको यहां पे इन्वाइट करके उनको माल दिखाते टोटली और फिर उसको देते। तो हमने अपने सर्विस देने के लिए सारी ब्रांचेस ऑफिस खोल दिए, अभी धीरे धीरे एक एक ब्रांचेस खोल रहे ताकि इनको सर्विस मिल सके। और प्रोसेस वाइज आप किस किस तरह के सुधार ला रहे हैं आपके बिजनेस में ताकि और बेहतर प्रोडक्ट बाहर निकले? प्रोसेस वाइज और भी हमने अभी राइट नाउ इस साल में भी काफी मशीनरी इम्पोर्ट की है और इसीलिए किए कि न्यू डिजाइन कन्वर्ट कर सके, न्यू फिनिशिंग, न्यू वेराइटीज, न्यू क्वालिटीज वो दे सके। आजकल की जनरेशन, जैसे पहले के जमाने में गोल्ड चेन्स विद पेंडेंट पहना करती थी लड़कियां, वो आजकल नहीं दिखता, एक डर है
एक यू नो लाइक सोच भी बदली है ज्वेलरी को लेकर, तो उस बात को बदलने में, कंज्यूमर्स के बीच उस माइंडसेट को बदलने में रॉयल चेन्स जैसी कंपनी क्या क्या कदम उठा रही है, अपने डिजाइन में कुछ सुधार ला रहे हैं? जैसे पहले क्या था कि भाई ट्रेडिशनल डिजाइन चलती थी, आजकल सबको ट्रेंडी डिजाइन चाहिए, तो हमने एक डेटाबेस तैयार किया कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, क्या पसंद आता है लोगों को, यंग जनरेशन को क्या पसंद आता है, तो उस लाइनअप पे हम लोग वर्क करके उस टाइप की डिजाइन अभी बाहर निकालते हैं। जैसे पहले एक जनरल वो ब्रेसलेट्स चलते थे, आजकल चलते कड़े, तो हमने वो कड़ा में नया डिजाइन वगैरह डाला है, तो उससे काफी एक फर्क पड़ जाता है मतलब। ओके, अभी फाइनल सवाल दोनों से, ऑलरेडी बड़ा है रॉयल चेन्स, उसे और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए आप दोनों के क्या प्लान्स है? जस्ट वर्क ऑन द न्यू मशीनरीज, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मोर विद द मार्केटिंग एंड बीसीएट हैज ए टोल्ड यू, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आज की तारीख में न्यू जो जनरेशन हो रहा है उस जनरेशन पे कैसे हम उनको अपने तरीके से न्यू ट्रेंडी जो प्रोडक्ट्स है वो दे, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं राइट नाउ। आजकल बातें भी काफी चल रही है ऑनलाइन मार्केटिंग की एंड वी आर स्टडिंग ऑन डेट, वी आर नॉट कम टू एनी कंक्लूजन फॉर द ऑनलाइन मार्केटिंग, बट वी आर स्टडिंग ऑन डेट, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। And let's see what happens. All right. We are well established in domestic market. We are अभी future international market में भी जाने का program है, international shows में वगैरह भी हम लोग exhibit करने का plan है। After that we have more concentrated on the export also, and we are getting good business. Last from in these two years, if you see, every month we are growing on the export business also. And we are getting very good response. तो दोनों भाई मिलकर अच्छा मास्टर प्लान बना रहे हैं। अब सुरेश जी, मनीष जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। ज्यूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीबीसी लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज बाय ज्यूल ट्रेंड्स में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.